गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे एग्जाम्पलर की, कि जो कि सीटेट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चंस का टाइप दिया हुआ है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेसिकली। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा, इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि अभी कुछ ही मंथ बचे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तैयारी के लिए, तो अभी से अगर आप इस फॉर्मेट को देखकर तैयारी करेंगे तो बेहतर रहेगा और मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे आप अपने एग्ज़ाम तक। तो देखो, वैसे तो हम देख लेते हैं, बाकी हम इसमें बेसिकली सोशल साइंस का एग्जाम्पल समझेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अब आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में। तो देखो, बाकी अगर हम इसमें देखें तो पेपर फर्स्ट का भी दिया हुआ है इसमें, सीडीपी के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर भी, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये टेलीग्राम से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो मैथ का भी इसमें दिया हुआ है, किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछे जाएंगे। और अभी आगे देख लेते हैं और कौन से सब्जेक्ट के दिए हुए हैं। तो अभी इसमें लैंग्वेज का अपलोड नहीं किया गया है, लैंग्वेज का भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। और EVS का दिया हुआ है इसमें, EVS में थोड़े डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। बाकी EVS के बाद अगर देखें तो इसमें आपको देखो पेपर टू का भी दिखेगा, पेपर टू के भी दिए हुए हैं CDP के क्वेश्चंस। और इसमें जो सेकंड पार्ट होता है इसमें, सॉरी, जो मैथ वाला पार्ट होता है पेपर टू के लिए, मैथ और साइंस वाला पार्ट, और एक है सोशल साइंस वाला पार्ट। तो हम बेसिकली इसमें सोशल साइंस वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आगे। तो देखो, सोशल साइंस वाला पार्ट अगर आप देखेंगे ना, ये रहा यहाँ पर सोशल साइंस वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे जो जिन लोगों ने जनवरी 2021 में एग्ज़ाम दिया था, वो क्वेश्चंस जो आए थे बिल्कुल इसी पर बेस्ड आए थे। तो इन्होंने पहले इन्फॉर्म तो किया नहीं था कि मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह का पैटर्न बदल जाएगा, लेकिन इन्होंने जनवरी 2021 में कुछ इसी तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न दिया था, इन्होंने इन्फॉर्म अब किया है। तो जिन लोगों ने जनवरी 2021 में एग्ज़ाम दिया था उनको पता होगा कि किस तरह का फॉर्मेट जो है एग्ज़ाम का था, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप इसमें भी देखेंगे एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, इन्होंने जो डाले हैं इसमें क्वेश्चंस, बिल्कुल एज इट इज़ उसी पेपर से इन्होंने उठा लिए हैं। और उस पेपर में आपने मेन चीज़ क्या देखी थी, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे, स्टेटमेंट दे दी जाती 3-4, जैसे आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, आप 3-4 स्टेटमेंट ऐसे दे दी जाती हैं और फिर उसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। या फिर कोई ऑर्डर वाले क्वेश्चंस दे देंगे, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन हम देखें इसमें, ऑर्डरिंग करनी, जैसे कैचअप के बारे में पूछ लिया था कि कैचअप जो है, जैसे कि ये मार्केट में जो कैचअप आता है वो किस किस प्रोसेस से गुजरता है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का प्रोसेस आपको क्या करना था, इसमें अरेंज करना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को आपको मिलेंगे। तो एक बार इनको देख लेते हैं एक नज़र। देखो, पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इमेजिन इफ द अर्थ इज़ नॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट देन, तो इसका मतलब है कि अगर अर्थ जो है अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती तो क्या होता, तो उसका कारण हमें बताना है। तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चुनने हैं। अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अर्थ हमारी अक्ष पर झुकी होती है, उसके कारण क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो इसको आप इजीली कर लेंगे, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। इसमें क्या होता है, देखो इसमें डिफ़िकल्टी कुछ नहीं है। सीटेट ने क्या पैटर्न कर दिया है, अब पहले तो वो सिंगल क्वेश्चन से पूछता था, लेकिन अब वो कई क्वेश्चन पूछ लेता है एक ही क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि वो कई स्टेटमेंट इसी में दे देता है। तो इसके थ्रू क्या है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज वो टेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको हर स्टेटमेंट को पढ़ना होगा और सही और गलत पहचानना होगा, तो इससे आपकी ज़्यादा नॉलेज टेस्ट कर पाएंगे वो। तो अब इसमें क्या करना है, आपको 1 by 1 स्टेटमेंट पढ़नी है और सही और गलत का इसमें चुनाव करना होगा। तो
तो इसमें ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखो जो जिसमें एक ही आंसर होता है उसमें तो आप तुक्का मारकर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। अब क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो कुछ लोग ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते थे, लेकिन टफ यही चीज़ बनाती है इस एग्ज़ाम को, जिसमें कि आपको स्टेटमेंट पहचाननी होती है सही और गलत। अब इसमें देखो दी हुई है ए और सी जो है स्टेटमेंट, इसमें सही है, अगर अक्ष पर नहीं झुकी होती पृथ्वी तो क्या होता, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन विल मैच द लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो इसका मतलब देखो समझ लेते हैं। अब देखो जैसे पृथ्वी है हमारी, आपको पता ही है ये पृथ्वी जो है अक्ष पर इस तरह से झुकी हुई है, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर ये नहीं झुकी होती तो कैसी होती, तो ये होती ऐसी। अब ये इसी से इसी पर आधारित क्वेश्चन ये पूछा गया है हमसे, तो अगर ये नहीं झुकी होती तो ऐसी होती, और लॉन्गिट्यूड जो लाइन है हमारी, जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, वो किस तरह से बनी हुई हैं पृथ्वी पर, वो कुछ इस तरह से ही बनी हुई हैं, ठीक है। अभी हम क्योंकि इसमें समझ रहे हैं तो इसके आधार पर ही हम बना लेंगे लाइंस को। इस तरह से क्या होता, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, प्रदीप्ति व्रत होता है ये, हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्ति व्रत, जो कि दिन रात में विभाजित करता है पृथ्वी को। देखो ये जो ये वाला पार्ट, जब मान लो ये सूरज जब हमने बना दिया इधर, ये वाला जो पार्ट है ये सूरज की जो फेसिंग है इसमें दिन रहेगा, और जो सूरज को फेस नहीं कर रहा इसमें रात हो जाएगी, इसमें हो जाएगी रात। तो ये जो दिन रात को विभाजित करता है इसी को प्रदीप्ति व्रत कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब इसमें यही बात बोली गई है कि ये जो है अगर पृथ्वी ऐसे झुकी नहीं होती तो मतलब इस तरह की होती, और ये फिर क्या होता, लॉन्गिट्यूडनल लाइन से क्या करता है, मैच कर जाता। तो बिल्कुल सही बात है, लॉन्गिट्यूड लाइन क्योंकि इस तरह से बनती लंबी बिल्कुल, और ये बिल्कुल इसके मैच कर जाता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इस तरह से सही बैठती है। दूसरी जो जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है वो दी हुई है द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन विल मैच द लेटिट्यूडनल लाइंस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, देखो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन तो यहाँ पर बन रहा है क्योंकि सूरज तो इधर से पड़ता है ना, इधर से पड़ता है इसकी किरणें सूरज की, तो ये लेटिट्यूड लाइन को कैसे मैच करता, क्योंकि लेटिट्यूड लाइन तो ऐसे बनती ऐसे बनती ऐसे बनती हैं, तो ये इसको मैच नहीं करता, तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी इसीलिए रॉन्ग हो जाती है। तो पहली हमारी सही है, और एक इसमें दिया हुआ सी, अब सी भी सही है इसमें। सी क्यों सही है, इसमें दिया है देयर विल बी नो सीजनल वेरिएशन इन ए पर्टिकुलर रीजन। अब जो सीजन हमारे बदलते हैं वो इस वजह से बदलते हैं क्योंकि पृथ्वी अक्ष पर झुकी हुई है, और जो सूर्य की किरणें हैं वो कहीं कहीं पर तो सीधी पड़ती हैं और कहीं कहीं पर तिरछी पड़ती हैं। तो जहाँ पर तिरछी पड़ती हैं वहाँ पर तो सर्दी का मौसम रहता है, और जहाँ पर सीधी पड़ती हैं वहाँ गर्मी का मौसम होता है, और जहाँ पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं वहाँ पर बारिश हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बरसात होती है। तो इस तरह से क्या होता है, मौसम में वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो सी बिल्कुल इसमें सही है, क्योंकि अगर नहीं झुकी होती, क्योंकि हमसे यही तो पूछा है, अगर नहीं झुकी होती तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, एक तो वो देशांतर रेखाओं को मैच कर जाता प्रदीप्ति व्रत, और दूसरा सीजनल जो वेरिएशन आप देखते हैं मतलब मौसमी जो परिवर्तन देखते हैं वो आपको नहीं देखने को मिलते। तो बिल्कुल सही है ये ए और सी स्टेटमेंट हमारी। अब देखो फोर्थ इसमें गलत है, क्या इसमें दिया हुआ है देयर विल बी मोर सीजनल वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन तो इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है, नहीं झुकी होती तो नहीं देखने को मिलते, तो डी भी गलत हो जाएगा। इसीलिए हम इस तरह से समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ए और सी इसमें सही होगा। इसी तरह से आपको क्या है, कंसेप्ट क्लियर करना है तभी आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि क्या होगा, सीजन चेंज होगा ज़्यादा सी नहीं होगा, इस तरह की चीज़ों में आप फंस जाएंगे, आंसर गप गलत कर सकते हैं क्योंकि इसमें कई सारे आपको आंसर देने होते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर करने पर जोर दें, अभी टाइम है तो बेसिक को अपना मजबूत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो कुछ तो क्वेश्चन के आंसर आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, मतलब वो आपको अंडरस्टैंडिंग के आधार पर देने होते हैं। वैसे मार्केट वाले चैप्टर से लिया गया है, एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ रहे होंगे अगर, तो उसमें जैसे कि प्रोसेस दिया होता है कि चीज़ें कैसे तैयार होती हैं, उसी के आधार पर आप इसमें आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले देखो कौन सा सही रहेगा, इसमें जो इसमें आंसर दिया हुआ है, देखो हमें ये दिया हुआ है बी पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर ए आएगा।
अब आपको आंसर नहीं पता है तो देखो आप कैसे पता लगाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेगा फार्मर, तो सबसे पहले बीज खरीदेगा, तभी तो टमाटर की फसल हुई। सबसे पहले फार्मर बाइज टमाटो सीड्स फ्रॉम ए लोकल ट्रेडर, फार्मर ने बीज खरीद लिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद का प्रोसेस नहीं दिया है, फिर डायरेक्ट दिया हुआ है, होलसेल मर्चेंट्स बिड्स फॉर टमाटोज इन द वेजिटेबल मंडी। तो होलसेल में जो व्यापारी जो बेचते हैं चीज़ों को, वो क्या है वेजिटेबल मंडी में लेकर आते हैं। फिर इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, इसके बाद हमारा आ जाएगा जो नेक्स्ट है, इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है, ए स्मॉल सिटी बेस्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट बायस टमाटोज। तो जैसे कोई फूड प्रोसेसिंग वाली जो कंपनी है, तो वो जो है टमाटोज़ को ख़रीदते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ से बनती है तो कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसको क्या होगा, उसको वो चीज़ें क्या है एक स्टॉक में ख़रीदनी पड़ेंगी। तो पहले जो फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट है ये टमाटो बाई करेगी, मतलब ख़रीदेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मार्केटिंग कंपनी सप्लाई कैचअप टू स्टोर्स, फिर ये वाला स्टेप आएगा कि मार्केटिंग कंपनीज जो हैं कैचअप ये स्टोर्स पर सप्लाई कर देंगी। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या रहेगा, सोना ऑर्डर्स कैचअप फ्रॉम ए नेबरहुड शॉप। अगर आपको कैचअप ख़रीदना है, कैचअप खाना है, तो आप क्या करेंगे फिर पास की दुकान से ले आएंगे। तो लेकिन उसमें क्या है, ये सभी प्रोसेस जो है लगता है एक कैचअप को बनाने में, दुकान तक पहुंचने में, जो आपकी लोकल शॉप रहती है वहां तक पहुंचने में ये सब प्रोसेस लगता है। तो ये तो आप अंडरस्टैंडिंग के बेस पर भी इसका आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, कुछ आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, और कुछ इस तरह के होंगे कि जो आपको थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आंसर करना होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखो ये पूछा गया है जो जिस ये फो एक तरफ फॉरेस्ट दिए हुए हैं, किस टाइप के फॉरेस्ट या फिर किस तरह की वनस्पति है, और किस एरिया में ये मिलती है, या फिर किस तरह के पेड़ जो है उसमें मिलते हैं, किस तरह की वनस्पति उसमें पाई जाती है। तो इस तरह से आपको इसमें मैच करना है। तो ए तो आपका थर्ड से मिल जाएगा, और बी आपका फोर्थ से मिल जाएगा, सी आपका सेकंड से, और डी आपका फर्स्ट से मिल जाएगा। तो इस तरह से मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, और इसमें भी आपको वही है, ये जो कंसेप्ट है आपका जो फॉरेस्ट है या फिर जो वनस्पति है, कितने तरह की ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप इसका आंसर कर पाएंगे। कुछ भी बाहर से नहीं है, सब कुछ आपके सिलेबस से ही है, लेकिन बस थोड़ा सा क्या कर दिया है, थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा क्रिटिकल बना दिया है, बस और कुछ नहीं है। अगर आप कंसेप्ट समझते चलेंगे तो इजीली आंसर कर पाएंगे सभी क्वेश्चंस का। और ये तो क्वेश्चन पेपर सेम आपका जनवरी 2021 में आ चुका है, तो बिल्कुल इसमें जो है आप कई क्वेश्चन वैसे ही पाएंगे जो क्वेश्चन पेपर में आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके देखें, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देखें, आपको बिल्कुल मैच करते हुए मिलेंगे। जो कैचअप वाला जो क्वेश्चन है वो तो वैसे ही ले लिया है। ऐसे ही ये फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, ए माउंटेन रेंज इज़ फॉर्मड बाय द थ्रस्टिंग कोलिजन एंड बकलिंग ऑफ रॉक्स नियर प्लेट बाउंड्रीज। तो इसमें दिया हुआ है कि जो एक माउंटेन रेंज है वो बनती है कैसे। देखो एक माउंटेन रेंज का टाइप दिया हुआ है, मतलब बताया गया है उसके बारे में कि वो कैसे बनती है, प्लेट्स के टकराने से, सरकने से उनके बनती है माउंटेन रेंज। तो कौन सी माउंटेन रेंज है वो इस तरह की होती है जो प्लेट्स के टकराने से या सरकने से निर्माण होता है जिसका, और कौन सी जो है रेंज इसका एक एग्जाम्पल है ये हमें बताना है। तो इसमें आंसर आप देख सकते हैं, फोल्ड माउंटेन अरावली इसका एक एग्जाम्पल है। तो जो ये प्लेट्स के सरकने से या फिर कहते मिलने से जो है बनती है, टकराने से या सरकने से मिलती है जो माउंटेन रेंज, वो होती है फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन रेंज होगी वो। जो आपने देखा होगा हिमालय का एग्जाम्पल अगर हम लें तो हिमालय भी फोल्ड माउंटेन है। तो देखो जी, जैसे मान लो एक इधर से प्लेट आ रही है और एक इधर से प्लेट आ रही है, मतलब पहले तो ऐसे ही आती हैं, ऐसे सीधी आएंगी, ऐसे सीधी। अब जैसे इनके बीच की जो दूरी है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती चली जाती है, और जैसे ये एक एक टाइम पर एक दूसरे से मिल जाएंगी,
एक दूसरे से मिल जाएंगी एक टाइम पर, तो क्या होगा, इनको जगह नहीं मिलेगी आगे बढ़ने की। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर नीचे ये हो जाती है। तो कुछ इस तरह से ये ऐसे, जैसे मान लो इस तरह से आ रही है, तो इस तरह से जैसे ये आपस में मिल जाएंगी एक बार, तो फिर क्या होगा, एक बार इनको जगह नहीं मिलेगी, फिर ये क्या होता है, इस तरह से मूवमेंट इनका होता है, इस तरह से हो जाती है ये, या फिर इस तरह से हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बन जाता है, कुछ इस तरह का, इस तरह की रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ ऐसी ही रेंज आपको जो मिलती है उसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, जो प्लेट्स के टकराने से या फिर सरकने से निर्माण होता है जिसका। तो हिमालय भी इसका एक एग्जाम्पल है और अरावली भी इसका एक एग्जाम्पल है, तो सेकेंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं। ऐसे ही देखो, फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जैसे आप एक नेक्स्ट जो सेट है हिस्ट्री की क्लासेस का, अगर आप उसे पढ़ाना चाहते हैं तो उसका क्या जो है उद्देश्य है, उद्देश्य क्या होना चाहिए उसका। तो उसके लिए एक उद्देश्य आपको इसमें से छांटना है, जो आपको स्टेटमेंट इसमें से दी हुई है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आफ्टर रीडिंग दिस बुक अबाउट 10 ग्रेट लीडर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन करेज इन 3 डिफरेंट वेज। मतलब जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ाते हैं उसमें क्या होगा, जैसे मान लो कोई टॉपिक इससे रिलेटेड आपने पढ़ाया है बुक में, कोई 10 ग्रेट लीडर्स के बारे में आपने पढ़ा दिया, तो स्टूडेंट्स क्या होगा फिर उसके बाद एबल हो पाएगा, मतलब उसके योग्य हो पाएगा कि उनको वो डिफ़ाइन कर पाए जो साहस है उसको 3 विभिन्न प्रकार से डिफ़ाइन कर पाए। तो इस तरह से आप इनका आंसर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस देव प्रिया इज़ टीचिंग हर स्टूडेंट्स अबाउट द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जैसे विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, MLAs बोलते हैं शॉर्ट में, तो अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को उनकी MLAs के रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसके बारे में पढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए क्या होगा, जो क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस होगा वो किस तरह का होना चाहिए। मतलब पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये आपको सीक्वेंस से लगाने हैं बस। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सीक्वेंस से लगाना है, मतलब कौन सा क्वेश्चन पहले होना चाहिए। तो सीक्वेंस अगर आप इसका देखें तो ये दिया हुआ है, फर्स्ट पहले आ जाएगा, व्हाट डज इट मीन टू रिप्रेजेंट ए कंस्टिट्यूएंसी, मतलब निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अर्थ क्या है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता है तो उसका क्या मतलब है, क्यों लड़ता है वो चुनाव, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा पहले। फिर उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ एन MLA सपोज टू डू इन लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो MLA है, जो MLA है उसको जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करना चाहिए, मतलब विधानसभा में वो जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, मतलब क्या काम करना चाहिए उन्हें, उनके काम एक तरह से हम पूछ सकते हैं इसमें। फिर आएगा फोर्थ स्टेटमेंट, इज एन MLA रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स इन देयर एरियाज़। फिर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जो MLA होते हैं कि वो अपने एरिया के जो स्कूल्स होते हैं उनके मेंटेनेंस में जो है मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं, मतलब उनकी देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसे ही हम किसी और क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि भैया कि वो अपने एरिया के हॉस्पिटल्स की भी देख रेख करते हैं या रख रखाव का ध्यान रखते हैं, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है MLAs की। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो सीक्वेंस ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन हमने सबसे पहले रख दिया, MLA ही नहीं पता है बच्चों को और पहले हमने ये वाला क्वेश्चन रख दिया। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, सीक्वेंस वाइज, मतलब जो सबसे पहली जानकारी है, जो पहले जानकारी होनी चाहिए वो पहले आनी चाहिए और फिर उसके बाद वाले क्वेश्चंस आने चाहिए। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए सरपंच एंड दोज ऑफ एन MLA, मतलब MLA मतलब विधायक और सरपंच की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनमें क्या अंतर है, मतलब दोनों की जिम्मेदारियों में क्या अंतर है, फिर ये क्वेश्चन आना चाहिए। फिर लास्ट का जो क्वेश्चन बचता है वो है सेकंड नंबर का, व्हाट हैपन्स इफ ए पर्टिकुलर MLA सीट फॉल्स वैकेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टर्म। मान लो कि MLA का जो है कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, जो कार्यकाल दिया हुआ है तो उसमें अगर उसका जो है कार्यकाल पूरा नहीं होता है और सीट खाली हो जाती है किन्हीं कारणों से, उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसका उसको सीट से हटा दिया जाता है मतलब, तो फिर क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन रखेंगे। फिर
तो जो वैकेंट सीट का है ये क्वेश्चन हम सबसे पहले नहीं पूछ सकते, हम सीक्वेंस से ही क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। तो यही हमसे इसमें पूछा गया है कि किस तरह से आप कवर करेंगे क्वेश्चंस को, मतलब किस तरह से टॉपिक को आप कवर करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस का सीक्वेंस रखेंगे। तो यही चीज़ आपको समझनी है सीटेट के पैटर्न में कि किस तरह से क्वेश्चंस को हमें क्या है आंसर करना है। तो इतना टफ नहीं है, अगर आप एक बार ये कंसेप्ट समझ लें कि किस तरह से हम आंसर कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी आपके लिए चीज़ें। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट्स इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। तो देखो पहला ही स्टेटमेंट है, अ गर्ल प्लेइंग फुटबॉल इन एन एडवर्टीजमेंट फॉर ए स्पोर्ट्स शू। जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हो रही है, मतलब जो जो रूढ़िवादी सोच बनी हुई है, लैंगिक जो भेदभाव है उसको लेकर जो सोच बनी हुई है उसको ये स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रहा है, ये पहला स्टेटमेंट, क्योंकि हमसे पूछा है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल नहीं है, लैंगिक भेदभाव का जो एग्जाम्पल नहीं है या फिर लैंगिक रूढ़िबद्धता का जो उदाहरण नहीं है वो कौन सा है, पहला स्टेटमेंट। क्योंकि जो स्पोर्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर बॉयज़ से जोड़कर देखे जाते हैं, लेकिन अगर इसमें एक गर्ल दिखाई जा रही है और वो भी स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए हैं और फुटबॉल वो खेल रही है, तो इसका मतलब है ये जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सभी जेंडर स्टीरियोटाइप के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें एक तरह से एक पर्टिकुलर काम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए दिखाया गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो, वाइल टीचिंग द चैप्टर एवरी ड्रॉप काउंट्स द टीचर ऑल्सो विशेज टू डेवलप द प्रोसेस स्किल्स ऑफ एनालाइजिंग डेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस शुड सी डिवाइस टू एंश्योर दिस। तो इसका क्या मतलब है, देखो अगर एक टीचर जो है ये सब्जेक्ट है, मतलब ये चैप्टर है एवरी ड्रॉप काउंट, मतलब हर बूंद मायने रखती है, अगर इससे रिलेटेड जो है टीचर बच्चों में विश्लेषण की क्षमता विकसित करना चाहती है, विश्लेषण करने की मतलब एक चीज़ को एनालाइज करने की क्षमता विकसित करना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए टीचर को। तो इसका आंसर जो है वो है, आस्क द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग दियर वाटर बिल एंड कैलकुलेट द एवरेज कंजप्शन ऑफ वाटर ऑफ ईच मेम्बर ऑफ दियर फैमिली। मतलब अगर वो टीचर समझाना चाह रही है बच्चों को कि हर बूंद मायने रखती है, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि वो अपने जो उनके घर में जो वाटर का बिल आता है, और फिर वो कहे कि बच्चों से कि आपके घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन सभी का कंजप्शन बताओ, मतलब उनका एवरेज कंजप्शन क्या है सभी फैमिली मेम्बर्स का। तो उसमें क्या है, बच्चे एक तरह से उसको एनालाइज़ करेंगे, उस डेटा को एनालाइज़ करेंगे कि किस तरह से पानी की खपत हो रही है और कौन कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है। इस तरह से क्या होगा कि बच्चों में एक विश्लेषण की क्षमता जो है विकसित हो पाएगी, क्योंकि वो खुद से ही इस पर रिसर्च करेंगे। तो अगर हम कोई भी टॉपिक पर बच्चों से रिसर्च करवाते हैं तो उनकी एनालाइजिंग पावर जो है वो डेवलप होती है, एनालाइजिंग स्किल जो है उनमें डेवलप होती है। तो जिसमें भी आपको क्वेश्चन में इस तरह के आंसर मिले जिसमें कि बच्चों को थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग बनाया जा रहा है, बच्चों को थोड़ा सा मतलब कि खुद ही काम करने के लिए दिया जा रहा है कोई, तो वही स्टेटमेंट ज़्यादातर सही देखी जाती है, सही मानी जाती है। तो ये देख लेते हैं, इसमें शायद इतने ही क्वेश्चंस हैं। हाँ तो यही क्वेश्चंस हैं, और बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं देखो लैंग्वेज वाले अभी अपलोड नहीं हुए हैं तो वो भी हो जाएंगे। देखो हमने इसमें समझ लिया किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, देखो इसमें सभी सब्जेक्ट्स से आपके लिए गए हैं, सोशल साइंस में देखो हिस्ट्री से इसमें लिए गए हैं, पॉलिटी से इसमें लिए गए हैं, और आपके लिए गए ज्योग्राफी से और पेडागोजिकल इश्यूज से। तो चार सब्जेक्ट होते हैं सोशल साइंस में जिनसे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स को आपको बेसिक से मजबूत कर लेना है जिससे कि आप कंसेप्ट जो आपका क्लियर हो जाए और किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप आंसर कर पाएँ। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बेसिक मजबूत कर लेंगे तो ईजी रहेगा आंसर करना। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी बोर्ड नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।